नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस जैसे कि सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। आज ताजनबी में अलग अलग तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहां पर आगरा SSP अमित पाठक के निर्देशन में सभी थानों में वृक्षोपण किया गया। उसी कड़ी में महिला थाना रकाबगंज में महिला पुलिस ने बढ़ चढ़ कर पेड़ पौधे लगाए। दूसरी ओर बता दें, आगरा के होटलों में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें क्लास राज होटल के परिवार ने पर्यावरण बचाओ प्लास्टिक हटाओ का संदेश देते हुए क्लास राज के पदभवन में महेंद्र पार्क और शास्त्री जी की क्रॉसिंग पर पौधे लगाए और सभी ने शपथ ली कि प्लास्टिक कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। होटल के मालिक देवशीष ने बताया, आगरा शहर के सभी नागरिकों को एक एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण बचाया जा सके। सबसे पहले तो मैं होटल क्लास रियाज के प्रबंध तत्व और सारे एम्प्लॉयज की तरफ से आप सबको बधाई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे क्लास रियाज मैनेजमेंट की तरफ से, होटल क्लास रियाज की तरफ से कई सारे प्रोग्राम प्लान किए गए हैं। आज हम लोगों ने 100 पौधों का वृक्षारोपण किया है अपने प्रांगण में, डॉक्टर महेंद्र पार्क में। अपना ये जो चौराया हम लोग मेंटेन करते हैं शास्त्री क्रॉसिंग, वहां पे करीब 100 प्लांटेशन किए हैं हम लोगों ने। और इस प्लांटेशन के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आगरे में अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाए जाए, ताकि आगरे की जो आबोहवा है उसमें सुधार हो। आज दोपहर को हम लोगों ने अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने का भी प्रबंध किया है, जिसमें उनको प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाएगा। उनको ये प्रेरणा दी जाएगी कि आप प्लास्टिक का बहिष्कार करें, नो प्लास्टिक जोन बनाएं आगरा को, और अपने घर और अपने आसपास हरियाली का विकसित करें। आज के दौर में पेड़ काटे जा रहे हैं, इसको लेकर आगे क्या भविष्य रहेगा, किस तरीके से? देखिए, जहां तक पेड़ काटने का सवाल है तो आगरा में तो सुप्रीम कोर्ट के बिना परमिशन के पेड़ काटना अवैध है। अभी हम लोगों ने देखा माल रोड के चौड़ीकरण पे कुछ पेड़ काटे गए, लेकिन साथ साथ मेरी लोगों से अपील ये भी है कि जितने पेड़ काटे उसके 10 गुना मात्रा में पेड़ लगाए जाए, ताकि शहर को हम लोग पर्यावरण के रूप में एक अच्छे शहर के रूप में उसको विकसित कर सके। ये सर है ना, सर से एक सिंगल वो लगवाइए, एक सौदा लगवाइए। आज पर्यावरण दिवस पर क्या कार्यक्रम हुए क्लास राज की तरफ से और कितने पौधे लगाए जी? सबसे पहले तो मैं सब आप आगरा वासियों को शुभकामना देता हूँ पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर। और मैं अनिल शर्मा, सेल्स मैनेजर क्लास राज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज करीब 100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है क्लास राज के प्रांगण से लेके बाहर महेंद्र पार्क पे, और उसके बाद जो राउंड सर्कल है क्लास राज जो हम लोगों ने मेंटेन करने के लिए ले रखा है सर्कल, उस पर भी हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। इसके अलावा आज हम लोगों ने अपने स्टाफ के लिए, हमारा करीब 400 लोगों का स्टाफ है, उस स्टाफ के लिए हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने का प्रोग्राम किया है, जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, से नो टू प्लास्टिक, ये उसका टाइटल है कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक से जितना दूर रहें प्लास्टिक से पर्यावरण की सुरक्षा उतनी ज्यादा हो सकती है। हम लोगों ने यही सोचा है कि आगरा को जो क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा की जो लाइनें हैं उस पे उचित खरा उतरे आगरा, और हमेशा आगरा स्वच्छ रहे, हरा भरा रहे, ये हमारी कामना। तो जो पेड़ लगाए हैं आपने 100, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किसने लिए जिम्मेदारी देखभाल की? जी जी, देखिए, क्लास राज ने अगर ये कदम उठाया है तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है,
और हम ही इसको मेंटेन करेंगे। और क्योंकि जो एरिया हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है, इसमें हमारे गार्डनर्स, हमारे माली डेप्यूट होते हैं, जो रोज सुबह और शाम जाके इनमें जल देंगे, और जो भी व्यवस्था होती है वो उचित व्यवस्था हम ही लोग करेंगे इसकी।